होली का नाम आते ही एक अलग ही खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न होने लगती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल होकर धूमधाम से इसे मनाते हैं। इस त्योहार को खुशियों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के त्योहार को सभी एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के मनाते हैं। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है लेकिन इसे हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय लोगों का त्योहार है। होली का पर्व उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली जिले भर में परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना शुरू हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गीतों की धुन पर जगह जगह युवा थिरकते नजर आ रहे हैं तो कहीं जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होली को लेकर किया जा रहा है। मुरादाबाद गोगुलदार से हिंदू महिला महाविद्यालय के द्वारा आयोजित सामुदायिक सेवा समिति के कार्यक्रम के अंतर्गत लालबाग मलिन बस्ती में होली के त्योहार को देखते हुए कपड़े मिठाइयां पिचकारी और होली के रंग बांटे गए। गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय के द्वारा आयोजित सामुदायिक सेवा समिति का कार्यक्रम है और इसमें मलिन बस्ती के जो लोग हैं उन्हें कपड़े, उनकी ज़रूरत का सामान, बच्चों को खिलौने, आने वाली होली के लिए बच्चों को रंग और पिचकारी ये बांटी जा रही है कॉलेज की तरफ से। और इस सभी का संकलन जो है वो वहाँ की शिक्षिकाओं ने और बच्चों ने स्वयं किया है ये सारा आयोजन। इसलिए कि हम जो त्यौहार मनाते हैं तो जो समर्थ है वो तो मना लेते हैं लेकिन जो समर्थ नहीं होते हैं तो उनका भी ध्यान, क्योंकि समाज में जो लोग जिनके पास ये क्षमता है उन लोगों को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे वो भी त्यौहार एक अच्छी तरह हमारे साथ मिलकर मना सके। इस दौरान कपड़े, मिठाइयां, पिचकारी और होली के रंगों को पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे।